अच्छी खुशखबरी इंडियन फैंस के लिए, एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले बहुत ही बड़ी ये गुड न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह के जितने भी फैंस हैं या टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं उनको एक खुशखबरी। इंडिया में भी कोई ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा जो कि बुमराह को पीछे कर सकता है अभी तक, पाकिस्तान तो फिर बहुत दूर की बात है। पूरी तरह से ये कंफर्म अब रिपोर्ट बताई जा रही है कि आयरलैंड का जो दौरा है वहां पर T20 मैचेस पहले जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। इसमें रेगुलरली 10 से 12 ओवर वो डाल रहे हैं, चार चार के स्पेल के ओवर डाल रहे हैं कि 20 मिनट का ब्रेक करते हैं। सही बात है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेस्ट एक आपको ऐसे बॉलर नजर आता है, दुनिया का नंबर एक बॉलर ऐसा नजर आता है जो अक्रॉस द फॉर्मेट ओडीआई T20 टेस्ट और अक्रॉस द वेन्यू किसी भी कंट्री में खेल रहा हो वो लीथल साबित होता है हर कंडीशन में, चाहे वो आप इंडिया में खेल रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे इंग्लैंड खेल रहे हो, कहीं भी, चाहे वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो, वो हर जगह आपको यूजफुल साबित होता है। तो विदाउट बुमराह आप कोई भी बॉलर उठा लो, आपको ये हो गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, लेकिन भाई वो बुमराह की रिप्लेसमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ खेल ही रहा होगा, वो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो अच्छी खुशखबरी इंडियन फैंस के लिए, एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले बहुत ही बड़ी ये गुड न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह आर रेगुलरली, एनसीए में अपडेट जो आया उसमें रेगुलरली 10 से 12 ओवर वो डाल रहे हैं, चार चार के स्पेल के ओवर डाल रहे हैं कि 20 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर चार ओवर डाल रहे हैं, फिर दो ओवर डाल रहे हैं, ऐसे करके वो 10 ओवर से 12 ओवर रेगुलरली डाल रहे हैं। और आपको पता है ओडीआई आयरलैंड के साथ जो T20 से इंडिया के, जहां पर इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग टीम जाएगी, अली साहब बुमराह को वहां भेजा जाएगा और उसका के अपना थोड़ा वो वार्म अप हो जाए। क्या बात, ये बात है, हमारा पाकिस्तानी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि उसको टक्कर दे सकता है, या फिर कोई ऐसा मैं कह नहीं सकती कि वो आगे टक्कर देगा। हाँ मे बी अगर कोई ऐसा मतलब हो जो बहुत मेहनत करे, या हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा वो करे, तो उसके बाद शायद मे बी कोई ऐसा आ जाए कि वो टक्कर देने पे आ जाए, लेकिन मुझे अभी तक जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई बुमराह को टक्कर दे। बुमराह इतनी अच्छी बॉलिंग करता है कि उसका बैट्समैन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इन स्विंग बहुत अच्छी करता है, आउट स्विंग बहुत अच्छी करता है, इसके अलावा जैसे उसका प्रेशर है बैटर्स पर वो बहुत ज़्यादा है कि उसके लिए से अगर इंडिया में भी कोई ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा जो कि बुमराह को पीछे कर सकता है अभी तक, पाकिस्तान तो फिर बहुत दूर की बात है। दीदी पूरी तरह से ये कंफर्म अब रिपोर्ट बताई जा रही है कि आयरलैंड का जो दौरा है वहां पर T20 मैचेस पहले जसप्रीत बुमराह खेलेंगे और उसके बाद जो है वो जसप्रीत बुमराह आपको एशिया कप में तो कंफर्म वापसी करते नजर आएंगे। ये जो कमबैक होगा ये वैसा नहीं होगा जैसा पिछली बार वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जो है वो जसप्रीत बुमराह ने कमबैक किया था, जहां पर हमने देखा था कि बुमराह आते हैं, दो तीन ओवर्स फेंक के फिर कुछ ट्रबल नजर आ रहा था और उसके बाद देखते देखते बुमराह उस ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 सीरीज के बाद पूरी तरह से रूल आउट हो गए थे। लेकिन अब जो अपडेट सामने आ रहा है वो निकल कर यही आ रहा है कि बुमराह अब पूरी तरह से यहां पर जो है वो फिट बताए जा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर जसप्रीत बुमराह अब आयरलैंड के सामने वो T20 सीरीज खेलेंगे और उसके बाद जो है वो आपको एशिया कप में फीचर होते हुए नजर आएंगे, जहां आजकल जो है बुमराह वो 8 से 10 ओवर्स बिना किसी परेशानी के एनसीए में फेंक रहे हैं, नेट्स के अंदर किसी भी तरह की जो है उन्हें वो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मजा आया।